तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिकर्शन। तो हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्शन। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, तो अच्छे से करना है। एग्ज़ाम में भी हमेशा आता है ये वाला टॉपिक, और एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग को फैक्टोरियल वाला एक प्रोग्राम बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main get ch। ओके, देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक इंट फैक्ट नाम का हम लोग फंक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ डिक्लेयर कर लिए। ठीक है, इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है, और यहाँ पे हम लोग एक पैरामीटर भी लेंगे जिसका भी एक डेटा टाइप जो होगा वो इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, डिक्लेयर हमने कर लिया, अब इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इंट फैक्ट, और यहाँ पे हम लोग एक इंट एन, मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ यहाँ पे जो कि लोकल वेरिएबल है इस इंट फैक्ट के लिए। अब इस फैक्ट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस एन की वैल्यू को मैच करेंगे। ठीक है, अगर एन की वैल्यू जो है 0 होगी तो 0 रिटर्न करेगा, अगर एन की वैल्यू अगर 1 होगी तो 1 रिटर्न करेगा। ओके, तो इसके पहले हम लोग यहाँ पे मेन में आ जाते हैं और मेन का हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग को फ्लो समझ में आएगा कि फ्लो क्या हो रहा है इस प्रोग्राम का। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं इंट एन कॉमा, मैं यहाँ पे फैक्ट के लिए एफ दे रहा हूँ, जिसमें हम लोग फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे और स्टोर कराएंगे। हम लोग कर लेते हैं clrscr, क्लियर स्क्रीन। देन इसके बाद हम लोग एक मैसेज प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ, जिसके थ्रू हम लोग नंबर एंटर करेंगे, स्लैश एन एंटर द नंबर, ऐसा हमने प्रिंट कर दिया। और स्कैन एफ से हम लोग क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे। स्कैन एफ से इनपुट हम लोग लेंगे एन में, एन नाम का वेरिएबल जो हम लोग बनाए हैं इंटीजर टाइप का, उसमें हम लोग ले लेंगे m% n, हम लोग ने ले लिया। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग फैक्ट को कॉल करेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल को कॉल करेंगे और इसके अंदर पास कर देंगे n, और यहाँ से हम लोग को एक वैल्यू रिटर्न मिलेगी, वो हम लोग डाल देंगे f के अंदर, f के अंदर हम लोग डाल देंगे, और यहाँ से हम लोग को वैल्यू जो मिलेगी उसको हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट एफ हम लोग ने लिख लिया है, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे स्लैश एन फैक्टोरियल ऑफ परसेंट डी इज परसेंट डी कॉमा देख के यहाँ पे एन कॉमा एफ। तो ये हमारा मेन फंक्शन के जो स्टेटमेंट्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक बार फ्लो समझ लेते हैं कि कैसा फ्लो होने वाला है। सबसे पहले वैल्यू हम लोग यहाँ से एंटर करेंगे एन, एन में मान के चलो हम लोग 5 एंटर कर रहे हैं, 5 हमने एंटर किया। ठीक है, तो यहाँ 5 है, ये कहाँ पास होगा, इस एन में पास होगा। ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ जो फंक्शन कॉलिंग किए हैं फैक्ट, और उसमें पास होगा 5 वैल्यू, यहाँ पे आएगी इंट एन में, यहाँ पे 5 वैल्यू आई। अब इस एन के लिए हम लोग को पूरा का पूरा लॉजिक लिखना है। तो अगर मान के चलते हैं कि n जो है 0 आया, ठीक है, अगर n की वैल्यू 0 आती है तो उसके लिए भी हम लोग को एक कंडीशन लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ n इक्वल टू 0, अगर n की वैल्यू 0 आती है तब हम लोग को क्या करना है, रिटर्न करना है 0, हम लोग करेंगे 0 रिटर्न। अगर n की वैल्यू 1 आती है, यहाँ पे लिखेंगे एल्स इफ n
इक्वल टू वन, तब क्या होगा, रिटर्न करेगा वन। अगर जीरो या फिर वन को छोड़ के उससे बड़ी वैल्यू आती है तो एल्स पार्ट में आएगा, और यहाँ पे हम लोग का रिकर्शन स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ पे रिटर्न करेगा एन मल्टीप्लाई बाई फैक्ट एन माइनस एन मल्टीप्लाई बाई फैक्ट एन माइनस वन, मतलब ये क्या करेगा, हर बार इसको कैलकुलेट कर जाएगा। मीन्स यहाँ पे अगर मान के चलिए एन की वैल्यू अभी फाइव है, फाइव मल्टीप्लाई बाई फैक्ट एन माइनस वन, वापस कंट्रोल यहाँ पे जाएगा, ठीक है, फिर से आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक इटरेशन टाइप का बनते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने लॉजिक पूरा लिख लिया है, और हम लोग करते हैं इसको सेव। यहाँ पे फैक्ट आर ई सी डॉट सी, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कंपाइल, कोई भी एरर नहीं आया, और हम लोग इसको कर देते हैं रन, ठीक है। एंटर द नंबर, एंटर द नंबर यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग फाइव, फाइव का फैक्टोरियल होना चाहिए 120, ठीक है, एंटर किए यहाँ पे, फैक्टोरियल ऑफ फाइव इज 120 आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे फैक्टोरियल का एक प्रोग्राम बनाया, जिसमें हमने यूज किया है रिकर्शन, ठीक है, ये मेन फंक्शन का है, ठीक है। एन की वैल्यू फाइव है, देन उसके बाद हमने क्या कॉल किया, फैक्ट कॉल किया, और फैक्ट के अंदर क्या पास होगा, फाइव पास होगा, ठीक है। अब हम लोग अपने फैक्ट पे आ जाते हैं, फैक्ट में, ठीक है, फैक्ट के अंदर क्या पास हुआ है, फाइव पास हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले यहां पे किसको चेक करेगा, जीरो को चेक करेगा, एन इक्वल टू जीरो, ठीक है, और किसको चेक करेगा, एन इक्वल टू वन, ठीक है। और यहां पे अगर जीरो मिलता है तो रिटर्न कर देगा जीरो, अगर वन मिलता है तो वन रिटर्न कर देगा, ठीक है। अगर जीरो और वन नहीं मिलता है तो क्या करेगा, एन मल्टीप्लाई बाई फैक्ट एन माइनस वन, ठीक है, ये करेगा। अब यहां पे एन की वैल्यू क्या है, फाइव है, ठीक है, एन की वैल्यू है फाइव, तो फर्स्ट स्टेज पे क्या होगा, फैक्ट एन की वैल्यू है फाइव, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक एन भी ले लेते हैं, ठीक है, एन की वैल्यू है फाइव अभी, ठीक है, फैक्ट में क्या आएगा, फाइव आएगा, ठीक है, एन की वैल्यू जीरो नहीं है, वन भी नहीं है, तो क्या होगा, सीधा स्टेटमेंट में आ जाएगा, फाइव मल्टीप्लाई बाई फैक्ट फाइव माइनस वन, फाइव माइनस वन, ठीक है, फाइव माइनस वन कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, फोर, ठीक है। अब ये फिर से कॉल हो रहा है, सेम फंक्शन फिर से कॉल हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे फैक्ट में एन की वैल्यू हो गई फोर, ओके, यहां पे वैल्यू आ रही है फोर। अब उसके बाद फाइव मल्टीप्लाई बाई फोर मल्टीप्लाई बाई फैक्ट एन माइनस वन, एन की वैल्यू है फोर, फोर माइनस वन क्या होगा, थ्री, ठीक है, तो यहां पे आ गई वैल्यू थ्री। अब एन की नई वैल्यू क्या है, थ्री हो गई, ठीक है, यहां पे भी वैल्यू कौन सी पास होगी, थ्री वैल्यू पास होगी, एन की वैल्यू जीरो नहीं है, एन की वैल्यू वन भी नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं एल्स पार्ट पे, तो फाइव मल्टीप्लाई बाई फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई फैक्ट थ्री माइनस वन, मीन्स क्या हो जाएगा, फैक्ट ऑफ टू, ठीक है, तो टू पास होगा एन की वैल्यू, तो अब नई वैल्यू एन की क्या है, टू है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या पास होगा, टू पास होगा, एन की वैल्यू जीरो नहीं है, एन की वैल्यू वन भी नहीं है,
एन की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई फैक्ट एन माइनस 1, एन की वैल्यू है 2, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 1। अब नई एन की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, अब यहाँ पे भी 1 पास होगा, फिर उसके बाद एन इक्वल टू 0 नहीं है, एन इक्वल टू 1 है, 1 है, ठीक है, तो क्या होगा, इस फैक्ट ऑफ 1 की जगह पे 1 रिटर्न करेगा, ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार का स्टेटमेंट होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, और इसी को फाइनल वो कैलकुलेट कर देगा, क्योंकि 1 में कंडीशन क्लोज हो चुका है, एल्स पार्ट में नहीं आया, मीन्स यहीं पे स्टेटमेंट खत्म हो गया, ये हमने यहाँ पे टर्मिनेशन कंडीशन के लिए यहाँ पे लगाया है, ठीक है, तो टर्मिनेशन कंडीशन हम लोग क्या दे रहे हैं, अगर वैल्यू 1 हो जाती है, एन की वैल्यू 1 हो जाती है, तो रिटर्न 1 करेगा और वहीं खत्म कर देगा, क्योंकि हम लोग अगर इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा पूरा हम लोग को रिजल्ट 0 ही आएगा, तो हम लोग का लास्ट टर्मिनेशन कंडीशन क्या है, एन इक्वल टू 1, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20 हो गया, 20 मल्टीप्लाई बाई 3 60 हो गया, 60 मल्टीप्लाई बाई 2 120 हुआ, 120 मल्टीप्लाई बाई 1 120, तो फाइनल रिजल्ट हम लोग को मिलेगा 120, और ये 120 रिटर्न करेगा, यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू पूरी की पूरी 120 है, 120 वैल्यू रिटर्न करेगा, यहाँ पे हमने इंटीजर में रिटर्न स्टेटमेंट दिया है, और ये वैल्यू जो है एफ में रिटर्न करेगा, एफ में जाके स्टोर करेगा, और एफ को यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, तो फाइनल हम लोग को क्या मिलेगा, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, ये हम लोग को आउटपुट फाइनल मिलेगा।